और तो बिहार व यूपी के लोगों द्वारा मनाया जाने वाला चार दिवसीय छठ महापर्व आज सूर्य देव को अर्घ देने के साथ ही संपन्न हो गया। आज दिन की शुरुआत होते ही नंगल सुल्ताज दरिया के केतल छठ पूजा पर मनाने वालों से गुलजार हो चुके थे और पूजा अर्चना शुरू हो चुकी थी। सूर्योदय होने से पहले ही व्रत व सूर्यदेव को अर्पित करने वाली सामग्री के साथ लोग सतलुज दरिया के तट पर पहुंचकर छठ मैया की कथा सुनते व सुनाते हमारे कैमरे में कैद हो गया और सतलुज के तट पर नजारा दिवाली जैसा नजर आया और छठ मनाने वाले जमकर आतिशबाजी भी कर रहे थे। 7:15 बजे के समय होते ही छठ पूजा करने वाले सतलुज दरिया के बहते पानी के बीचों बीच पहुंचे और सूर्यदेव को अर्घ देकर अपना व्रत संपन्न किया और बिहारी समुदाय द्वारा मनाए जाने वाले छठ पर्व को देखने के लिए भारी संख्या में स्थानीय लोग भी जुड़े हुए थे। हम लोग मनाते हैं इस करके पति के लिए, बच्चे के लिए, है ना, इसी करके हम लोग त्योहार मनाते हैं। कितने दिन होता है? 3 दिन उपवास रहते हैं। क्या-क्या चलता है 3 दिन में? 3 दिन में शाम को आएंगे घाट पे, पानी के अंदर घंटे भर खड़ी रहेंगे, फिर शाम में पूजा करके फिर चल जाएंगे, नहीं पानी अंजल करेंगे, नहीं चाय पानी कुछ भी नहीं। फिर सुबह आएंगे तो फिर अब मुँह दतन से धो लिया आम के दतन से, फिर आएंगे अब अंदर पानी के अंदर जाएंगे। खरना से शुरू होता है और पारन के दिन समाप्त होता है छठ पूजा। नहान और 3 बजे शाम को आएगा, 6 बजे 6:30 बजे चला जाता है लोग। उसके बाद दूसरे दिन फिर 4 बजे सुबह में आएगा लोग,